गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आज दिन है संडे का, समय बज रहा है 10:05। ये देखिए 10:05 हो रहा है और अभी आज मेरे घर की सफाई नहीं हुई है क्योंकि ये सुबह सुबह कोई आ गया था और आप कहोगे कि इस टाइम पे कोई आया है तो उनको बहुत ज़रूरी काम था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था, इसलिए वो आए थे। और मतलब थोड़ी देर के लिए आए कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, अपने घर से खाना लेके आए थे और वही उन्होंने खाया पिया, बस पानी पिया उन्होंने और चले गए हैं। और अंश के पापा गए हैं उनको छोड़ने, अभी वो आएंगे तो अंश के पापा को मैं नाश्ता दूंगी। और मुझे नहीं पता था कि वो मॉर्निंग में आएंगे तो इसलिए मैंने कोई भी क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि घर में कोई अगर आके बैठ जाए और आप झाड़ू पोछा करने लगे तो अच्छा नहीं लगता। तो पहले मैं आज अंश के पापा को और अंश को नाश्ता दूंगी, मैं भी नाश्ता करूंगी, उसके बाद झाड़ू वगैरह का काम करूंगी, क्योंकि अब मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। मैं नहा चुकी हूँ तो नहाने के बाद मुझे पोछा वगैरह का काम अच्छा नहीं लगता है, तो अब मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, नाश्ता बना लेते हैं। और आज मैं बनाऊंगी खट्टे वाले आलू, जिसकी रेसिपी मैंने एक बार शेयर की। नेटवर्क आज मेरे यहाँ थोड़ा सा क्या, कल शाम से बहुत ज़्यादा नेटवर्क ख़राब है मेरे यहाँ, तो फ़ोन चलाने का तो कोई कुछ बनता ही नहीं है। तो आज मैं YouTube वगैरह कुछ भी नहीं चला पाऊँगी, बस वीडियो अपलोड की है बहुत मुश्किल से। कल मैंने वीडियो को एडिट करके रख दिया था, बहुत मुश्किल से वीडियो अपलोड की है मैंने। किचन में चलते, कढ़ाई में तेल डाल दिया था और तेल गर्म होने के बाद मैं यहाँ कढ़ाई के तेल में जीरा डाल रही हूँ। जीरा के होते ही मैंने ये उबले हुए आलू काट के रखे थे वो डाल दिए हैं। पानी में मैंने ये खट्टे वाले आलू का जो मसाला होता है वो घोल के डाल दिया था सब्ज़ी में। और ये मसाला हम अपने गांव से लेके आते हैं, ये अलग ही आता है, दूसरी सब्ज़ी के मसाले से अलग होता है ये। उसके बाद मैंने पराठे बना दिए थे। यहाँ पे पानी और विम लिक्विड मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये कुछ सामान लेके आए थे मार्केट से तो उनको वॉश करना था मुझे इसे। किचन की साफ़ सफाई के बाद मैंने यहाँ झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया था पूरे घर में। आ गई हूँ मैं किचन में और अभी मैं निकालने जा रही हूँ जूस, ऑरेंजेस का, संतरों का जूस निकालने जा रही हूँ। और मैं हैंड जूसर से जूस निकालने जा रही थी, जो कटोरे जैसा होता है जिसमें दबा के निकालते हैं, ये वाला इस टाइप का जो होता है, इससे जो जूस निकालते हैं वो मुझे काफ़ी इजी लगता है। मैंने कहा कि उसी से निकाल देते हैं, लेकिन मेरी पति देव जी तो नहीं, इलेक्ट्रिक वाला निकालो उससे निकालो, इलेक्ट्रिक वाला निकालो उससे जूस निकालो। और वो निकालने का मतलब मुझे बहुत बड़ा झमेला लगता है, एक एक पोर्शन उसका निकाल के मैंने पहले क्लीन किया है। अब ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये क्लीन किया है मैंने। अब इसमें से जूस निकालूंगी, जूस निकालने के बाद फिर इसको क्लीन करने में इतना ही टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने ये वाला लिया था। इसका जो नीचे वाला कटोरा है वो रखा हुआ है अभी, लेकिन नहीं, ये पूरा निकलवाया है और संतरे सारे इस तरीके से छील दिए इन्होंने, इस तरीके से, क्योंकि अगर ये पूरे गोल गोल होते तो मैं इससे निकाल लेती। अब इसको पूरा अलग अलग कर दिया सारे संतरों की फांकों को, तो अब इसको मैं इससे निकाल भी नहीं सकती, तो अब मुझे हार के इलेक्ट्रिक वाले से ही निकालना पड़ेगा जूस। तो ये हाल है, मेरी कोई बात नहीं मानते। यहाँ मैं जूस निकालना शुरू कर चुकी हूँ और इसका जो डंडा होता है जूसर का वो मैंने नहीं निकाला था, तो इसकी जगह मैंने बेलन यूज़ किया था। आपको भी देख के हंसी आएगी, लेकिन मैं जुगाड़ू ला लूँ, जुगाड़ कर ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ निकाल के काम, अपना काम निकालना होता है मुझे बस। तैयार हो गया और देव जी नहा के आ चुके हैं, तो अब ये जूस पेश किया जाएगा उनके आगे। मुझे ऑरेंज जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, मुझे बनाना शेक अच्छा लगता है या तो मैंगो शेक अच्छा लगता है, ऑरेंज जूस मुझे नहीं पसंद है। इस टाइम पे मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत टाइम बाद, मतलब रात के 10:30, और काम मेरा सारा हो चुका है। किचन एज़ यूज़ुअल मैंने क्लीन कर दिया है, जैसे आपको पता ही है कि मैं किचन बिना क्लीन किए कभी भी नहीं सोती हूँ, सिवाय सैटरडे को। तो अब सैटरडे संडे सब बराबर हो गया है, और सैटरडे को भी इसलिए मैं डिले करती थी क्योंकि खतरों का खिलाड़ी आता था, तो अब तो वो आता नहीं, तो मेरा रूटीन में सब कुछ होता है काम। और मैं अपने रूटीन में बस मॉर्निंग शेड्यूल मेरा लेट हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, 6:30 उठ जाती हूँ, 6:30-6:45 तक उठ ही जाती हूँ मैं, क्योंकि दूध लेने जाना होता है इनको और दूध वाला आता नहीं है यहाँ पर, बाहर से लेके आते हैं।
करो। और आज से मैंने अपने एक्सरसाइज वाले शेड्यूल शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया था, सुबह उठ के रस्सी कूदी थी मैंने, मतलब स्किपिंग की थी, और योगा मैट अपना निकाल लिया है मैंने। वैसे मैंने अपने जो कॉटन वाले सूट थे वो निकाल के जब पहने हैं, गर्मियों वाले कपड़े, तो कोई भी कपड़ा मुझे टाइट नहीं हुआ है, तो मतलब मैं बड़ी खुश हूँ कि वेट पुट ऑन नहीं किया है मैंने। सो चुका है और रोज की तरह अंश के पापा। और एक मेरे पास आज कमेंट आया था कि मॉर्निंग से लेके, मतलब सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक का आप अपना शेड्यूल, पूरे दिन में आप क्या करते हो, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ शेड्यूल, कैसे कैसे आप काम करते हो, कैसे अपना घर मैनेज करते हो, वो दिखाइए। तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आज मेरा नहीं हो पाया था ये काम, आज वाईफाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वीडियो एडिट करना, पोस्ट करना, सारी चीज़ों में दिक्कत होती थी, और मैं ये अपना यूट्यूब का कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। तो एक दो दिन बाद करूँगी। जिन्होंने भी कमेंट दिया है, मुझे उनका नाम नहीं याद है, कोई आसिफ आलम ऐसा करके कुछ है ना, मुझे याद नहीं है, कोशिश करूँगी उनका, उनकी जो कमेंट है उसके डिमांड को पूरा करने की। सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, सब अपनी लाइफ में पहले की तरह सेट हो जाएंगे। और एक किसी एक ही लापरवाही से कितने लोग परेशान हो रहे हैं, आज कितनी दुखद घटना सामने आई है कि छोटा बच्चा है जिसको कोरोना हो गया था, और कितने साल का, कितने महीने का बच्चा था जो मर गया, 10 महीने का बच्चा मर गया। बताइए उसके पेरेंट्स के ऊपर, उसके फैमिली मेम्बर के ऊपर क्या बीती होगी। जब एक बच्चा घर में आता है तो कितने रिश्ते जोड़ता है, नए रिश्ते बनाता है, नई ज़िंदगी होती है उसके, उसने भी क्या देखा होगा, उसने कुछ भी नहीं देखा होगा, सिर्फ एक अपनी माँ को पहचानता होगा, वो माँ को, पिता को, और जो उसके फैमिली मेम्बर होंगे और कुछ भी नहीं जानता होगा वो, उसे तो ढंग से स्वाद भी नहीं समझ में आता होगा खाने का। तो एक एक लोगों की लापरवाही से कितने कितने मासूम निर्दोष परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ घर के बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, खुद बचिए, दूसरों को भी बचाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। वैसे मैं लकी हूँ कि मेरे पास नेगेटिव कमेंट बहुत कम आते हैं, एक दो आते हैं तो उसके लिए इतना तो मैं रेडी रहती हूँ कि इतना आएगा ही, एक दो कभी अभी तक, मतलब मुझे 6 महीने हो गए, 6 महीने के लगभग हो गए, 2-3 ही नेगेटिव कमेंट आए हैं, तो इतने के लिए मैं रेडी रहती हूँ, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव कमेंट मुझे अभी तक तो नहीं आते हैं, अच्छे कमेंट ही आते हैं। तो आप लोग जो अप्रिशिएट करते हैं उससे मुझे मतलब काफ़ी हिम्मत मिलती है, और ज़्यादा मेहनत करने की, अपने काम को और इम्प्रूव करने की। बाय बाय, गुड नाइट।